हेलो जी, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था ना। आज हम फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, आज ये हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया ना? तो बिना समय गवाए हुए बस आप अपने जिंदगी का समय में 5 मिनट दो और 5 मिनट में ही हम आपके अंदर सैलाब लाने वाले हैं और हम चलते हैं एक नए पायदान की तरफ। और इसका नाम है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करें। सो 1 2 एंड गो। तो हमने कहा कि ये देखिए, हमने फीमेल का पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाया है, आधा ही बनाया है, इधर भी होता है ना। तो हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये मेरा दावा है। चलिए, हमने कहा कि हमने ये देखा था, इसका नाम ओवरी था। ओवरी से ओवम निकलेगा, ओवरी से ओवम निकलेगा तो कौन लेगा, फिम्ब्रिया। और ये फिम्ब्रिया ओवम को लेके जाएगा और ये एम्पुला साइट पे रख देगा, क्योंकि तो हमें पता है कि जो एम्पुला होता है वो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। और जब यहाँ से बजाना के थ्रू स्पर्म आएगा तो वो स्पर्म एम्पुला के साइट पे जाता है, एम्पुला के साइट पे स्पर्म जाता है और ये दोनों का फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो बोलेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो हम बताएंगे, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच आई स्पर्म फ्यूज विद ओम एंड फॉर्म अ जायगोट दैट इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। हम बोलेंगे कि ओवरी से ओम निकला, एम्पुला पे गया और यहाँ वजाइना से स्पर्म जाएगा और चलते चलते एम्पुला तक पहुंचेगा और वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट यूनिसेलुलर होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जायगोट यूनिसेलुलर होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब जायगोट बनता है तो जायगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन होता है, जिसके बदौलत क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो के बाद जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं मारुला। क्या बोलते हैं, मारुला। और मारुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टुला। तो हमने क्या से कहा, ये बताइए कि इम्प्लांटेशन से पहले कितने सेल बन जाते हैं। तो हम बताएंगे कि जब फर्टिलाइजेशन एम्पुला पे होता है तो पहले जायगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद मारुला बनता है, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला इन यूट्रस दैट इज नोन एज इम्प्लांट। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि जब ये ब्लास्टुला के ऊपर ब्लास्टोसिस्ट होता है, जब ये यूट्रस में अटैच होने लगता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इनके यूट्रस के टिश्यू और इसके टिश्यू मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। और जब प्लेसेंटा बनता है तो स्ट्रक्चर ये आ जाता है और देखिए इसमें बच्चा पल रहा है, बड़ा भी हो चुका, उसको फीटस बोलते हैं। देखिए जिस लिक्विड के अंदर बच्चा होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिस लिक्विड के अंदर बच्चा होता है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और इस बच्चे को बोलते हैं फीटस और ये है प्लेसेंटा। और जिससे बच्चे को भोजन मिलता है, जिसके द्वारा बच्चे को भोजन पहुंचाया जाता है उसका नाम होता है अम्बिलिकल कार्ड। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा, तो हम बताएंगे प्लेसेंटा वो होता है जो मदर्स की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को बच्चे तक पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कार्ड। और बच्चे के वेस्ट मटेरियल को फिर वो लेके आता है और बाहर कर देता है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, इसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड और जो बच्चा पाया उसका बोलते हैं फीटस अभी हो। और जिसके द्वारा प्लेसेंटा, पहले प्लेसेंटा भोजन किससे लेगा, मदर्स की बॉडी से, फिर किसको देगा, अम्बिलिकल कार्ड को, फिर अम्बिलिकल कार्ड फीटस को देता है। एक बात याद रखिएगा, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। तो ये समझ में आ रहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद 9th मंथ तक बेबी का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसका क्या हो जाएगा, पार्टुएशन हो जाएगा। पार्टुएशन में बेबी का डिलीवरी आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम आया और स्पर्म नहीं आया, ओवम आया और स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आया ना, 2 मिनट दीजिए हमको। अगर ओवम आया और स्पर्म नहीं आया, स्पर्म अब्सेंट है,
तो हम बोलेंगे कि उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं ये क्या है। सर मैंने शॉर्ट टेक्स बनाया है तो आप समझिएगा कि वह जो अनफर्टिलाइज है जो स्पर्म से मिला ही नहीं वो अनफर्टिलाइज हो। एंडोमेट्रियम की वॉल हमने बताया था और ब्लड जब ये मिलकर वजाइना से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो वो जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एक महीने में 28 दिन में एक बार आती है फीमेल में, 28 दिन में फीमेल में एक बार आती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हम बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच अनफर्टिलाइज्ड ओवम वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लड रिलीज आउट थ्रू द वजाइना दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चार स्टेज पाए जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चार स्टेज में होती है, पहला मेंस्ट्रुअल, फिर प्रोलिफरेटिव, फिर ओव्यूलेशन, फिर सिक्रेटरी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड फ्लो होता है 1 से 5 दिन के अंदर होता है, 5 से लेकर 13 दिन के बीच में, 5 तारीख से लेकर 13 डेट तक ओवम बनता है और 14 दिन के अंदर उसका ओव्यूलेशन हो जाता है और 14 से 28 के बाद इसमें कार्पस ल्यूटियम निकल, जब ओवम निकल जाएगा तो उसके बाद जो जिस स्ट्रक्चर से ओवम निकलता है उसमें जो एरिया होती है उसके अंदर होता है कार्पस ल्यूटियम और वो कार्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी फेज के अंतर्गत आता है और वो प्रेगनेंसी मेंटेन में मदद करता है। ये सब आपको ज्यादा याद नहीं करनी, फिर आपको यही सिर्फ पता नहीं है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 40 से पाई जाती है, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेशन और सिक्रेटरी। एक बात आप याद रखिएगा कि मेनार्ज क्या होता है, तो फर्स्ट पहली बार जब एमसी आती है 12 से 13 के बीच में आती है तो बोलते हैं मेनार्ज, तो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्ज मेनोपॉज, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी मेनोपॉज। एक बात याद रखिएगा, अगर एमसी आई है इसका मतलब ये होता है कि ओमेन प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर एमसी नहीं आया है इसका मतलब होता है जनरली कि ओमेन प्रेग्नेंट है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर वीकनेस के कारण एमसी नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि ओमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो एमसी अगर एब्सेंट तो कभी कोई मेंटल रिटार्डेशन और वीकनेस के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो हम तुरंत ये नहीं कह देंगे ह्यूमन प्रेग्नेंट है, हमें उसको चेक कराना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मस्त रहें, आबाद रहें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और आपको कंट्रासेप्टिव मेथड बताने की कोशिश करेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड, वो लास्ट लेक्चर होगा और आपका बहुत बेहतर जाने वाला है।